दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर देश भर में स्थानीय नेतृत्व के हार से डरे होने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में पूरी तरह हताश और निराश दिख रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर स्थानीय नेतृत्व के अंदर हार का डर पड़ गया है। अनुराग ठाकुर ने ये बातें हमीरपुर के सुजानपुर मंडल में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कही। कांग्रेस आज अगर देश भर में देखो तो अपना बोरिया बिस्तर समेटती नजर आ रही है। राहुल गांधी जी कल तक कहते थे डरो मत, यही वो कहते रहे पूरी यात्रा में, डरो मत। लेकिन खुद राहुल गांधी जी डर कर अमेठी से भागे तो वायनाड पहुंचे। इस बार वायनाड की हार दिखी तो रायबरेली पहुंचे हैं। लेकिन रायबरेली की जनता ने भी मन बना लिया है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ वहां से भी करके वापस भेज देंगे। अगला स्टॉप राहुल गांधी का कहां होगा देश की जनता को कोई पता नहीं कहां होगा। अरे जो अमेठी वापस नहीं आ पाया, साथ लगती रायबरेली पे पहुंच गया। और कांग्रेस के अंदर महिलाओं की हालत देखिए क्या होगी। जब प्रियंका गांधी जी को ही टिकट नहीं मिल पा रही तो बाकी बहनों की स्थिति वहां पर क्या होगी। अमेठी रायबरेली में कम से कम इतना था, पहले सोनिया जी लड़ती थी तो एक महिला को टिकट मिलती थी, इस बार महिलाओं का पत्ता वहां से भी काट दिया गया। प्रियंका जी के नाम पे राहुल जी के जीजा जी रॉबर्ट वड्रा जी भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन राहुल जी ने एक तीर से दो निशाने किए, ना प्रियंका जी को टिकट ना वड्रा जी को टिकट है, ना प्रियंका वड्रा ना रॉबर्ट वड्रा। ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई आज सड़कों पर दिख रही है। ये देश में क्या जीतेंगे, अपनी सीट क्या जीतेंगे, आज सिमटती हुई कांग्रेस नजर आ रही है हर जगह पर। और कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण अंदरूनी अंतरकला भी है, और कांग्रेस आत्मविश्वास भी खो चुकी है और जनता का विश्वास भी खो चुकी है। आदरणीय बिंदल जी बता रहे थे कि करते करते नाना करते 23,000 करोड़ की 28,000 करोड़, 28,000 करोड़ का कर्जा, डेढ़ साल में 28,000 करोड़ का कर्जा हो गया। 28,000 करोड़ का कर्ज लेकर क्या आपके 1500-1500 रुपए आपको मिल गए महीने के? हाँ या ना? 1500 रुपया महीना मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। 2 रुपए किलो गोबर खरीदा कि नहीं खरीदा? 100 रुपए लीटर दूध खरीदा कि नहीं खरीदा? क्या बागवानों को मूंग के दाम मिल गए? क्या 5 लाख नौकरियां मिल गई? मिली? 5 लाख को अगर आप 68 विधानसभा क्षेत्र में भी बांटो तो कितनी नौकरी एक में आती? लगभग 8,000। आपके कितने मिली? 8 भी मिली 8,000 में से? और जो नौकरी देने वाला संस्थान प्रेम कुमार धूमल जी ने खोला था, कभी वीरभद्र जी ने बंद करवाया और कभी अब एक बार फिर कांग्रेस की सरकार में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बंद करवा। मेरे भाई और बहनों, दिया क्या है? सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले 15 महीनों में हिमाचल प्रदेश की जनता को मिला क्या? हिमाचल प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। बड़े बड़े वायदे करके सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन आज कर्नाटक में इनका नाटक है और हिमाचल में भी इनकी नौटंकी कम नहीं है। कर्नाटक की हालत यह है, वहां की इनके अपने काउंसलर की बेटी नेहा का दिन दिहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। 7 बार चाकू गले में घोंप दिया जाता है, दिन दिहाड़े उसको मार दिया जाता है। वह निकाह करने से मंजूर करती है, ना मंजूरी करती है, मना कर देती है तो उसका गला रेत दिया जाता है। कांग्रेस का कौन सा
ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिमला।